ये मैडम आपको नहीं बता रही है, लेकिन वो हम जान रहे हैं कि साला क्या करेगा, कहाँ वही देंगी वो। हाँ एकदम हमको तो लग रहा है का ना दबा माफ करके सब चीज के कैसे ना दबा बिजली बिल माफ करवे कर लो। मैं दुनिया में कौन चीज ने कर लो, मैं भला कर लो। कल्पना सोरेन ही है, दूसरा यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। मोदी जी ने हेमंत को जेल भेज के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा करके उसको सजा करके लड़ाता है और वोट मांगता है। हमारा झारखंडी का सरकार नहीं था ना पहले, यहाँ बाहरी का सरकार था। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो बाहरी जनता पार्टी। मैं इस वक्त गिरिडीह जिले के गांडे सीट पर हूँ, जो इस वक्त सर्वाधिक चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ से कल्पना सोरेन खड़ी है। आइए हम जनता से बात करते हैं, लोगों से मिजाज समझते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है। कल्पना सोरेन को वह पसंद कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे? हम यही जानते हैं कि अगर जो गांडे विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, ये टफ है। हाँ, और ये मुकाबला दो के बीच में रहेगा, एकदम कांटे की टक्कर रहेगा। किसके किसके? बीजेपी और भरसा साहब का जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमको कोई एक रुपया दिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ जन्मी रहे हम, उस चीज़ हम रख दे रहे हैं, एकदम खुले हम। तो आपको कौन सी पार्टी पसंद आ रही है? देखिए, हमारे जो अंदर जो हमारी जो पार्टी अंदर है, वो तो है अंदर में ही है। दिल की बात हमसे नहीं, दिल के बात हम नहीं बताएंगे, लेकिन दो पार्टी में जो निकल जाए और कांटे की टक्कर रहेगा, जेएमएम और भाजपा। तो भाजपा का 17 साल और इनका 5 साल। पाँच साल किसका ठीक रहा? देखिए, उनका 17 साल का जो कार्यक्रम रहा वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 5 साल के इसका 5 महीना का जो कार्यकाल रहा आपका कल्पना सोरेन का, इस सबसे बड़ा खासियत है कि आज जनता के बीच अभी बिजली माफ किया, किसानों का, किसी का 20,000, किसी का 25,000, सब माफ हो गया। किसान जो लोन लिया था वो भी माफ हो गया 2 लाख तक। उसके बाद क्या मैया योजना, अब मैया पर डिफरेंट करता है कि बीजेपी को वोट देगा कि जेएमएम को वोट देगा। अब मैया लोग नहीं बता रहा है कि किसको हम वोट देंगे, एकदम क्लियर बात। हमारा भी परिवार है, कुछ मैया पर निर्भर है। हाँ, मैया पर ही निर्भर है, क्योंकि हमारा भी परिवार है। डर गई मैया उधर जाएगा। हम कहते हैं कि आप किनको वोट दीजिएगा, बोल उससे मतलब नहीं है। मतलब आपकी मैडम आपको नहीं बता रही है, लेकिन वो हम जान रहे हैं कि साला क्या करेगा, कहाँ वही देंगी वो। हाँ एकदम हमको तो लग रहा है, हम कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहता मैया योजना भी 4,000 घुस ले। क्या दतली तो दतली कहली, बोले बिजली माफ, बोल 20,000, 15,000, कड़ा बचवो, भरत बचवो, से टकवा तो बचलन, क्या दल को टकवाओ, सब बिजली माफ दिया, कर्जा नहीं लेना पड़ा। तो आप सोच लीजिए कि झारखंड गांडे विधानसभा का यही स्थिति है, एकदम सरकार था अकबर दास का, लेकिन ने बिजली माफ किया, ने लोन माफ किया, ने मैया योजना दिया, कुछ भी नहीं दिया। बोलता है बीजेपी बोलिया है, लेकिन वो किया कहाँ रघुवर दास? अभी तो हेमंत सोरेन जो किया है, तो जो भी किया गरीब सब, किसी हड़िया नहीं चलाता है, किसी को हड़िया कोई नेता नहीं चलाता है सर। लेकिन अभी गरीब के लिए अभी 30,000, 40,000, 50,000 को आदमी को था सर, जो भी किया हेमंत सोरेन वो तो सही किया है। रघुवर दास था सब पार्टीजर को मार के गोड़ हाथ तोड़वा दिया, वो कहाँ क्या किया? किसी बिजली माफ किया, ने किसी लोन माफ किया, जो किया तो हेमंत सोरेन किया है। हैं, बोलता है कि बीजेपी बहुत बड़ी बीजेपी है, लेकिन कुछ नहीं है। जो कहेगा वो करेगा सर, जो हेमंत सोरेन बोलेगा जो करेगा सो करेगा सर। कहाँ कोई भी जात रही है, ते कोरी रहते हैं, गोवा रहते हैं, माझी रही, जो करेगा उसी का नाम होगा सर। क्या अले दो इनान खोर बीजेपी सरकार, हाँ ऐसा रहते हैं ना, क्योंकि कोई और पैसा भाई मार आयो हाँ बांग बाबा हाँ बांग, ठीक है बात को समझ रहे हैं आप? लेकिन इस बार अरे जब कल्पना दीदी ले जीते हो गांडे प्रखंड को, तो हर हर आयो हर पहले यहाँ 2019 से पहले कोई मतलब व्यवस्था नहीं था। युवाओं जब हम लोग कोविड के टाइम में जब हम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे ना, तो यही पूरे देश में आप देख रहे थे, कोरोना था, लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन हमारे हेमंत सरकार ने हम लोगों के लिए बाहर से ट्रेन चलवाया। हम लोग बाहर में मजदूरी करते थे, तो हम लोगों को वहाँ से लाया गया। तो आप बाहर क्यों जाते हैं मजदूरी करने, यहाँ उद्योग धंधे नहीं है? नहीं, हो जाएगा अब धीरे धीरे। हमारा झारखंडी का सरकार नहीं था ना पहले,
यहाँ बाहरी का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो बाहरी जनता पार्टी है। ये झारखंड में जो झारखंडियों के लिए जो अभी हमारी सरकार बनी है, ये झारखंड बहुत आगे बढ़ने वाला है। सरकारी जो स्कूल था सर, जो सरकारी स्कूल था, सारे बहुत सारे स्कूल जो है से रघुवर दास के कार्यकाल में बंद कर दिया गया था, जो कि बच्चे बच्चे इधर उधर से पढ़ने में दिक्कत कटने हो रहा था। इस बार जब हेमंत जी की सरकार बना तो सारे स्कूल को खोला गया, उसके बाद सारे बच्चे को उसको क्या बोलते साइकिल, उसके बाद जो है सो ड्रेस है, कॉपी किताब है। यही जब बीजेपी का जब राज था ना गांडे में, बीजेपी का जब विधायक थे तो यही वाला रोड जो था, यही वाला रोड 2019 से पहले देखने का लायक नहीं था, लेकिन 2019 के बाद देखिए डॉक्टर सनफराज अहमद जी विधायक बने, कल्पना सोरेन जी बने, धोबिया मोड़ा से लेकर के डाक बंगला तक कितना अच्छा रोड बनवाया, यही रोड है। नेता बनेंगी आपकी विधायक? हाँ। क्यों, किसको वोट देना है इस बार? कल्पना सोरेन। अच्छा, क्या कह रही हैं? कल्पना सोरेन के वोट देवे अभी कौन सी कह कल ये कल्पना सोरेन बनेंगी वोट देंगे आप? वोट नहीं देंगे तो कैसे वैसे बोलते हैं? ये कौन सा गांव है? ये हार्डी। यहाँ के लोग कहाँ वोट दे रहे हैं? यहाँ हार्डी में। किसको वोट दे रहे हैं यहाँ के भाई? कल्पना का। कल्पना करी दबे हेमंत सोरेन। हाँ, काहे ना दबे? मैं माफ करके सब चीज के बिजली बिल कैसे ना दबे? बिजली बिल माफ करवे कर लो, मैं दुनिया में कौन चीज ने कर लगे? मैं भला कर लो करे दबे, गरीबों का भला किया, सबके भला कर लेगा, सबका भला। हाँ, सबके भला कर ले। आप क्या कहती माता जी? ओकरे दबे कल्पना। हाँ। नेता हम लोग को तो हेमंत सोरेन है ये। हाँ। और यहाँ का नेता कल्पना सोरेन। हाँ। बस यही बात है, और क्या बोलेंगे? मोदी जी कहते हैं दोनों बंटी बबली हैं। वो तो उसका कहने का काम है, वो कहबे करेगा। हाँ। उसका मुंह खुला है, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले इंडिया में। हाँ। और कुछ भी करे वो आजाद है। हाँ। उसकी आजादी को कोई पकड़ नहीं सकता है, बीजेपी वाला। हाँ। न कांग्रेस वाला, न कोई कोई काहे पकड़ेगा, उसकी सरकार है, उसका सारा कुछ सिस्टम है उसका लगा हुआ। आपको बीजेपी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि हिंदू मुसलमान? ना, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा करके। हाँ। उसको सजा करके लड़ाता है और वोट मांगता है। पहले हिंदू मुसलमान को सजा देता है। हाँ, सजा। और फिर उसके बाद मुर्गा लड़ाई करा देता है। मुर्गा लड़ाई करता है, हम बड़े तो हम बड़े। हाँ, तो यही काम है उसका। क्या माहौल है, किसको जा रहा है वो? कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन, अबुआ आवास दिया, मान सम्मान दिया, बिजली माफ किया, लोन माफ किया, उससे बेहतर और कर क्या करेगा? बात तो ठीक है आपकी। और चाचा आपकी क्या राय है? हमारे यहाँ सब उसी का जाता है। किस बीजेपी आ रही, क्यों देते हो वोट बीजेपी को? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? अच्छी काम करेगी इसलिए। तो क्या, जैसे क्यों बननी चाहिए, जैसे होता है ना कि मुद्दा उद्दा होता है, क्या दिया बीजेपी ने? बीजेपी बहुत दिन से बनी नहीं, इसलिए बननी चाहिए। ये तो ठीक है, बहुत दिन से नहीं बनी, बननी चाहिए, लेकिन मतलब काम क्या किया बीजेपी ने? कोनो काम याद नहीं ना? याद नहीं हमको, याद नहीं। अभी यहाँ स्टूडेंट आए, अभी तो स्टूडेंट को तो ये पता रहता है ना कि क्या कर रही है सरकार। देखिए, जैसे स्टूडेंट को बीजेपी का तो पता है। हाँ, हम लोग झारखंडी है। हाँ। फिर हम लोग दूसरा में वोट काहे मारेंगे? हम लोग को फायदा आ रहा है, बहुत फायदा आ रहा है। कल्पना सोरेन। हाँ, कल्पना सोरेन ही है, दूसरा यहाँ कोई गुंजाइश नहीं। हमारी जो अभी कल्पना मैडम है, जिस तरह से वो उभर के आई है, तो लोगों में एक विश्वास जगा है, लोग काफ़ी खुश हैं और वो अपने आप को अपने में स्वाभिमान महसूस कर रहा है। इसलिए मुद्दा तो है, बहुत सारा मुद्दा है। मतलब मोदी जी का जेल भेजना असफल हो गया क्या हेमंत? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मोदी जी ने हेमंत को जेल भेज के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। वो तो सोचे थे बिखर ही जाएगा। हाँ, लेकिन उसका उल्टा हुआ। अगर वो जेल नहीं जाता तो कल्पना मैडम नहीं जाती ना, ये सितारा चमकता नहीं, ये सितारा चमकता। आज माहौल ये है कि कहीं भी जेएमएम के अलावा कुछ है ही नहीं। आप देखिए, गांडे की सीट के बाद तो कहना ही नहीं है, यहाँ तो प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है, लेकिन पूरे झारखंड में जेएमएम की लहर है और जनता की एक उम्मीद बन गई है कल्पना। जनता किसी भी कीमत पर कल्पना को खोना नहीं चाहती। बस कल्पना ही कल्पना है, कल्पना ही कल्पना है, अब बाकी कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, कल्पना धोखा तो नहीं दे जाएंगी आपके इलाके को? कल्पना जो की है ना, कोई करेगी ना, कोई किया आज तक। हाँ, 24 साल में कोई कुछ नहीं किया।
जो कल्पना किया है। तो इसका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है जो कल्पना सोरेन उभर कर आए, न पति को जेल भेजा होता। मोदी अपना पर कुल्हाड़ी मार लिया। मेरा भी वही कहना सर कि कल्पना सोरेन यहाँ से जीतेगी जीतेगी, और वो इतना काम किया है कि बिजली भी बिल भी माफ करवाया है और प्लस में 1000 रुपया भी हर महिला को दे रही है अभी, और अग्निवासी भी काम कर चुकी है। यहाँ से निकल रही है, हम लोग उनको चाह रहे हैं। और आप क्या कहते हैं? इस कल्पना ही सोरेन को देंगे वोट हम लोग। कल्पना सोरेन जी, उसी को जिताएंगे क्या भाई साहब? हाँ, हम लोग गांडे विधानसभा से कल्पना मैडम को हम लोग जिताएंगे, क्योंकि ये 6 महीना के इंद्रान में बहुत अच्छा गरीब किसान मजदूरों को विकास करके दिखाया है। हो सकता है इनको 5 साल समय मिल जाने के बाद और कितना ही गरीब को काम करेगा कि हर आदमियों को अबुआ आवास दिया गया है। पता बनी अभी बनने में तो 6 महीना हुआ, लेकिन 6 महीना के अंदर बहुत ज़्यादा विकास किया हमारे क्षेत्र में, और पूरे झारखंड के महिलाओं के बारे में भी सोची, किसान के बारे में भी सोची। जो किसान कर्ज से परेशान था, लोन से, उसका लोन भी माफ़ करवाई, इसलिए हम लोग उसको पसंद करते हैं और उसको ही जिताएंगे। और झारखंड में सरकार भी जेएमएम का बनने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ध्रुवीकरण का मुद्दा है, जिसमें वो कह रही है कि घुसपैठ हो रहा है हिंदू मुसलमान कर, उसको इस इलाके में क्या देखते हैं आप? यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, एकदम फ्रेंक है हम लोग। हिंदू मुसलमान सभी लोग ही, सभी जाति मिल के झारखंड को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जेएमएम को देंगे, जेएमएम को देंगे। क्या फायदा है जेएमएम से? फायदा है केसीसी लोन माफ किया। लोगों के हिसाब से जेएमएम थोड़ा अस्थायी, थोड़ा ठंडा सरकार है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो वैसी का सरकार बने, उसी को हम लोग जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे। वो वैसी को बना डालेंगे। देखिए, सोच रहे हैं हम, अपना बात सोच रहे हैं। ठीक बात है, हम अपना बात बोल रहे हैं। चलिए, एक सपोर्टर वैसी के भी है। तो आइए मैं आपको ग्राहक सेवा केंद्र लिए चलता हूँ, जिसमें कि लोग अपने आधार कार्ड को जोड़ से लाभ लेते हैं। यहाँ आप संख्या देखिए, महिलाओं की सर्वाधिक है। अंदर जरा कैमरा ले जाइए और आप देखिए कि सभी महिलाएं खड़ी हैं। और आपका क्या समस्या है? आ रहा 1000। अच्छा, आप किस लिए आई हैं? वही 1000 के लिए। अच्छा, यहाँ यही मिलता भी 1000 है? 1000 चार बरेबरे लगाए। अच्छा, यहीं से मिल जाता है? हाँ, यहीं से। बैंक नहीं जाना पड़ता? नहीं, यहीं से। तो यही ये कमीशन लेते होंगे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, नहीं ले रहे हैं? क्यों भाई, बिना कमीशन ये कैसे चला रहे हो? मेरा यूनियन बैंक का CSP है। अच्छा, तो यूनियन बैंक का तो हम कमीशन ले भी नहीं सकते, हम लोग का परमिशन भी नहीं है ना, तो हम नहीं लेते हैं कमीशन। तो बिना कमीशन के ऐसे कैसे चलाओगे काम धंधा, पंखा, बिजली? हम नहीं, तो है ना, बैंक तरफ से कमीशन हम लोग को कुछ मिलता है। हाँ जी, अभी के माहौल में जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कल्पना सोरेन की बात हो रही है। आप शायद जेएमएम सपोर्टर भी हैं, क्या किया है कल्पना ने ऐसा? देखिए, कल्पना मैम ने इतनी सारी योजनाएं सरकार के द्वारा गांडे विधानसभा के लिए कराए हैं, इसीलिए गांडे में कल्पना ही कल्पना सब लोग का मन है, कल्पनामय है। और भाजपा का जो वो घुसपैठ का मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, उसको कैसे लड़ रही है? बड़का झूठा पार्टी। हाँ, उसका मेन मुद्दा रहता है जब कोई उसके पास कोई भी आधार नहीं बनता तो हिंदू मुस्लिम करने का अथक प्रयास करके लोगों को लड़ाने का प्रयास करता है। तो ये बताइए कि 11 साल बीजेपी की केंद्र में सरकार है, 17 साल यहाँ रही, उस नाम पर चुनाव नहीं मांग रहे वोट? देखिए, वो उस नाम से चुनाव नहीं मांग रही है, वोट नहीं लड़ रहे? नहीं। अच्छा, यहाँ पर सारे समुदाय के लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर जेएमएम के सारे समुदाय, जितने भी समुदाय रहते हैं हम लोग गांडे विधानसभा, सारे समुदाय के लोग हमारे साथ हैं और गांडे में भारी मतों से हम लोग जिताएंगे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।